हेलो एवरीवन एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। एंड आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो आज मैं बात बताऊँगा कि जो बियर्डो का अल्ट्रा ग्लो ऑल इन वन मेंस लोशन आता है, ये कौन परचेज कर सकता है या किसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको, तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। एक्चुअली मैंने अनबॉक्सिंग की थी एंड इसका रिव्यू किया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने किट मंगाई थी तो उसमें ये था। तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में मैंने इसको लगाया तो मेरे को पिंपल्स वगैरह हो गए थे एंड बाद में जो ये परफेक्ट वर्क कर रहा था। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात जो इन्होंने दी है वो ये कि पैराबेन एंड जो फ्री है, पैराबेन फ्री है, इसके अलावा फैसिलिट फ्री भी है ये। तो जैसे कि होता है कि केमिकल्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, बट एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है ये जो मॉइस्चराइजर है या जो ये ओनली वन स्किन लोशन है ओनली स्किन पे काम नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप ये लीजिए, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो आप पहले से आपकी ऑयली स्किन है तो अगर आप इसको मॉइस्चराइजर को लगाओगे और तो ये और थोड़ा सा आपको ऑयली स्किन बना देगा। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ऑयली स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी तो इससे कि पिंपल्स वगैरह होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ऑयली स्किन में क्या होता है कि ऑयल पहले ही आपकी स्किन पे ऊपर रहता है, आपकी मॉइस्चराइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजेशन लगाना चाहिए, जबकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जेल बेस्ड नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए कुछ अलग से आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आपको अच्छा रहे। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर ड्राई स्किन होगी तो आप मॉइस्चराइज करेंगे तो ये आपके स्किन को जो है ड्राई नहीं करेगा, ड्राई स्किन पे परफेक्ट वर्क करेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत ऑयल आता तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी हैवी ऑयली स्किन है, ज्यादा ऑयल आपका निकलता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसको परचेज करें। क्योंकि देखिए अगर आपकी पहले ही ऑयली स्किन है और फिर बाद में आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं तो ऑयल जो वो दुगना हो जाता है। मतलब आपको पहले से ही ऑयल ऊपर साथ नहीं लगा लिया तो अगर आपको मॉइस्चराइजर को यूज़ करना है तो आप जेल फॉर्म मॉइस्चराइजर जो कि पानी जैसा होता है वो यूज़ कीजिए। क्रीम फॉर्म मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, ये परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा काम करता है, मैं ये नहीं कहूँगा ये काम नहीं करता, बहुत अच्छा है, ऑल इन वन है, इसमें आपको केमिकल्स जो है फ्री मिल जाता है तो केमिकल्स का भी इशू नहीं आएगा आपको। इसके अलावा आपको सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, डार्क स्पॉट है, एंटी एजिंग है एंड SPF 30 के साथ आपको मिल जाता है, सनस्क्रीन का ये काम करता है, काम ये सारे करता है, कोई इशू नहीं है। बट ये जिनकी ऑयली स्किन होती है जिनमें ज़्यादा ही तेल आता रहता है स्किन के ऊपर, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपको सूट ना करे। क्योंकि मेन चीज़ यही होती है कि इसका काम मॉइस्चराइजर काम ये होता है कि मॉइस्चराइज करना, एंड पहले से ही आपकी स्किन जो है ओवर मॉइस्चराइज है, आपको तो ड्राई करने की ज़रूरत है आपकी स्किन को, ठीक है। तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं कल से वीडियो बनाऊंगा ऑयली स्किन के ऊपर कि आपको ऑयली स्किन क्या किस तरीके की होती है और क्या क्या ऑयली स्किन में आप कर सकते हैं, तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे को क्यों ये मॉइस्चराइजर जो है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ रूटीन्स वगैरह एंड ये जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या और कुछ है तो ये आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे कंपनी बोलती है ऑयली स्किन टाइप्स होते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि ऑयली स्किन वाले को, अगर आपको यूज़ भी करना है तो वो एक दो बार बहुत कम देर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर चाहिए सनस्क्रीन तो आप जेल बेस्ड जो होते हैं वो यूज़ कीजिए, वो आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, मेंटेन रखेंगे आपका pH लेवल और वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस उसमें वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर